डीवाईएफआई और एसएफआई ने एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें मुख्य मांग रिवाजर में हुए 4.5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को उठाया है। जब बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज निरचौक ले जाया गया तो मेडिकल जांच के लिए 4 घंटे तक इंतजार करवाना निंदनीय है। इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए व आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। DYFI और SFI ने ADC मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मुख्य मांग रिवालसर में हुए 4.5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग प्रमुखता से रखी गई है। जब बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले जाया गया तो मेडिकल जांच के लिए 4 घंटे तक उसे इंतजार करना पड़ा, जो कि निंदनीय है। इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में लगातार बच्चों और नाबालिगों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चे स्कूलों व कॉलेजों में सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में पुलिस भी अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, जो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की लाचार कार्यप्रणाली को दर्शाता है। और यदि दोषी जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो DYFI और SFI अन्य संगठनों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी। आज मंडी के ADC के माध्यम से जो है DYFI और SFI ने मिलकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हमने मांग की जो रिवालसर के अंदर जो 4.5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस मामले के अभी तक जो है जांच सही ढंग से नहीं हो पा रही है और इसको जल्द से जल्द किया जाए, तथा जो आज स्कूल कॉलेजों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने की जरूरत है आज के समय के अंदर, और इसके ऊपर थोड़ा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से देश की सरकार या देश के राष्ट्रपति ने अभी मोहर लगाई है कि जो है छोटी उम्र के बच्चों के साथ जो इस प्रकार दुष्कर्म होते हैं उसके ऊपर फांसी की सजा होगी, तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाया जाए, जिसके माध्यम से कि ये जो कानून है इस कानून को सही ढंग से लागू किया जाए, जिसके तब जो है ये इस प्रकार की घटनाएं रुक सकती हैं, और ये जो रिवासर का इंसिडेंट है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही और ठोस कार्यवाही। वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन नगर परिषद में भाजपा का कब्जा है, लेकिन भाजपा के ही पार्षद ने नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो शिकायतें पहले बंद हाउस में हुआ करती थी वे सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष आ गई हैं। यही नहीं, पार्षद मधु कौशिक ने भाजपा सोलन मंडल के अध्यक्ष रविंद्र परिहार को भी चेयरमैन के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। सोलन नगर परिषद में भाजपा का कब्जा है, लेकिन भाजपा के ही पार्षद ने नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो शिकायतें पहले बंद हाउस में हुआ करती थी वे अब सार्वजनिक मीडिया के समक्ष आ गई हैं। यही नहीं, पार्षद मधु कौशिक ने भाजपा सोलन मंडल के अध्यक्ष रविंद्र परिहार को भी चेयरमैन के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है, और उसमें ये बताया है कि चेयरमैन का रवैया जो चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके लिए शिकायत पर सोच विचार कर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए, अन्यथा उन्हें कोई और सख्त मार्ग अपनाना पड़ेगा। पार्षद मधु कौशिक ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि वे नगर परिषद के चेयरमैन के रवैये से नाखुश हैं, इसलिए वे शिकायत पत्र मंडल अध्यक्ष को सौंप रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के लोगों ने उन्हें इसलिए चुना है ताकि वे वार्ड का विकास करवा सकें, लेकिन जब वे उनकी मांगे लेकर हाउस में जाती हैं तो उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया जाता है और कई तरह के बहाने बनाकर उन्हें टाल दिया जाता है, इसलिए वे व्यवस्था से अब तंग आ चुकी हैं। मेरा शिकायत पत्र यही है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो मेरी समस्याओं के बारे में कोई गौर नहीं करते हैं। ठीक है, 3 महीने बाद हाउस होता है, मैं हर हाउस में चेयरमैन साहब को कहती हूँ। पीछे हमारे EO साहब आए थे, जो तहसीलदार साहब थे, उनसे भी मैंने बात की, तो उस टाइम हाउस में ये कहा गया कि आपको रिटर्न दो, तो मैंने रिटर्न भी दिया, परंतु रिटर्न होने के बाद ये जो मेरा रिटर्न जो मैंने वही लिख के दिया हाउस में,
ये रिटर्न आप देख सकते हैं मेरा 19/6 को है और मैंने रिसीव भी करवाया वहाँ तेजराम जी से। मैंने रिसीव इसलिए करवाया क्योंकि आज तक हम रिटर्न देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो वहाँ पे ये कह देते थे जी आपने तो कोई रिटर्न दिया ही नहीं। और ये मेरा लेटेस्ट रिटर्न है और इसको यदि आप पढ़ सकते हैं, आप इसकी फ़ोटो भी लीजिए मैंने इसमें क्या लिखा है। और जब हम एक इलेक्टेड मेंबर हैं तो जो वार्ड के लोग हैं, जो वार्ड की जनता है, वो मुझे पूछेगी काम क्यों नहीं हो रहे हैं, उस पर मैं जवाबदेही तो मैं हूँ ना जी। तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि हम कहते हैं और काम अध्यक्ष जी सुनते नहीं हैं। तो आपने जैसे इसमें ये भी लिखा है कि कुछ भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे स्टेप कुछ भी आगे, हाँ मैं कुछ भी कदम मैं उठा सकती हूँ, वो मैं इस बारे में देखती हूँ कि ये लोग क्या, मैंने जो शिकायत की है इस पे क्या सोच विचार करते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें पार्षदों द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसा पहली बार है कि सत्ता पक्ष के ही पार्षद ने अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे साबित होता है कि नगर परिषद में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।